क्या है भाई, आपके दिमाग में यही चल रहा है ना कि भाई साहब इतने सारे नींबू कहाँ से लाए यार, क्या करने वाले इस नींबू का। तो गाइस यही बता देता हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो गाइस हम क्या करेंगे, इन सारे नींबू में से रस निकालेंगे और इसमें निपोड़ डालेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और फिर ऊपर से हम डालेंगे हमारा इनो और शैम्पू, फिर देखेंगे गाइस इसका रिएक्शन कि क्या होता है। मतलब कि यूट्यूब पर तो हमें बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं ऐसे नींबू पर कि मतलब कि ऐसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहते, लेकिन हम कुछ अनोखा करेंगे। मतलब कि एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या होने वाला हमें तो नहीं पता क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसलिए हमारे पास आप देख सकते हो नींबू को निचोड़ने के लिए काफी सारे, इसलिए हाथ से तो निपोड़ नहीं सकते। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, इसीलिए क्रॉप करेंगे और इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे और देखेंगे कि क्या होता है भाई। तो चलिए अभी इसे क्रॉप करने के बारे, इससे क्रॉप करेंगे हम। ये देखिए काफी नुकीला भी है, ये देखिए ये क्रॉप हो चुका है। इसे अभी दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, ये देखिए। और इसमें पहले से भी हमने दो तीन नींबू निपोड़ कर रख दिए थे क्योंकि इसका भी हमने पहले शैम्पू ले लिया था कि ये काम करता है या नहीं करता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये हो गया है गाइस। तो अभी दूसरा वाला, मतलब कि इसमें से जो भी रस होता है सिर्फ रस रस अंदर ही जाता है और बाकी का ये बाहर ही रह जाता है। तो चलिए अभी पूरा का पूरा निपोड़ने की बारी। यार काफी मेहनत लग रही है इसे, मतलब कि अभी तक तो आधे भी हुए नहीं है। देख सकते हो आप, हमने तो पहले इसे काट डाला, इसे सीओ को बताया, काफी मुश्किल है भाई इसे क्रॉप करना और निपोड़ना क्योंकि हाथ भी बहुत दर्द कर रहे हैं। आप एक लाइक कर दीजिए सब देख कर, इसलिए अभी तो खेल बाकी है। जल्द से जल्द इसे निपोड़ डालते पूरा का पूरा। A few moments later. Guys, ये बचा है अकेला अभी। टारगेट तो पूरा हो चुका है, इसे भी निपोड़ डालते हैं। काफी अच्छा लग रहा है अभी, ये देख सकते हो आप कितने सारे हैं। पर इनमें से निकला हुआ पूरा का पूरा झाग यानी कि पानी रस जो कि काफी खतरनाक दिख रहा है। अगर इसे पी डाले तो मतलब कि बंदा मर ही जाएगा, तो के लिए अभी प्लस डालने की बारी। ज़्यादा देरी ना करते दांतों से चीरते हैं, इसमें डालते हैं क्योंकि नहाने वक्त नहाने के वक्त तो दांतों से इसका गेम बजा डालते हैं। ये देख सकते हो आप अंदर कैसे हो रहा है भाई, दिखाओ एक बार अंदर वाला। देखिए भाई मतलब कि हमारा क्लिनिक प्लस ऊपर की साइड लहरा रहा है कि इसे मिक्स करते हैं। देखिए आप हो चुका है इसमें, मतलब कि इसका कलर जो कि है वो चेंज हो चुका है। तो अभी है इसे इसमें इस बॉटल में डालने की बारी, अभी डालते हैं इसे धीरे धीरे। Thank you.
तो गाइस यार ये तो हो चुका है इसमें, मतलब कि ये देखिए ऊपर का जहाँ हमारे शैम्पू की वजह से आया है। चलिए अभी इसमें देखिए क्लीन और डालने की बारी। तो गाइस ये देख सकते हो आप, मतलब कि पूरी तरीके से मतलब कि टाइट हो चुकी है ये। देखिए भाई भाई दिखाओ एक बार, देखिए टाइट हो चुकी है, मतलब कि थोड़ी सी भी नहीं दब रही। ये क्यों हो रहा है मतलब कि पता नहीं है ना आपको, जो ये जो हो रहा है नींबू और जो हमने सुना डाला है इसमें और जीनो, जो कि तीनों गैस की वजह से ये पूरा फिट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, मतलब कि ऊपर वाला जो ढक्कन है काफ़ी मजबूत तरीके से हमने फिट किया है। तो अभी इसे और हिलाते हैं, फिर देखते हैं। गाइस मुझे पता नहीं था इसके अंदर इतना प्रेशर होगा, मतलब कि एक भाई साहब एकदम से मतलब कि ढक्कन मेरे हाथ से निकल चुका है, छूट चुका है, वहां पे जाके गिर चुका है। ये देखिए इसके अंदर का मतलब कि पहले तो थोड़ा सा ही था, पसीना भी आ रहा है अभी, मतलब कि पता नहीं था भाई कि ऐसा होगा। और झाग देख सकते हो आप, मतलब कि जब हमने इसे खोला नहीं था तब आधा ही था, लेकिन उसे जैसे हमने खोला वैसे पूरा का पूरा भर चुका है झाग, जो कि आप देख सकते हो। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो गाइस मैं बस यही दिखाना था, मतलब